नमस्कार दोस्तों, शायद ही कोई भोजपुरी का ऐसा दर्शक होगा जो पाखी हेगड़े को नहीं जानता होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भोजपुरी की मशहूर अदाकारा पाखी हेगड़े के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि पाखी हेगड़े एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री हैं। इन्हें मुख्यतः भोजपुरी फिल्मों के लिए जाना जाता है। भोजपुरी के अलावा पाखी हेगड़े ने हिंदी और मराठी सिनेमा में भी काम किया है। पाखी का जन्म 7 जून 1985 को मुंबई में महाराष्ट्र में हुआ। पाखी ने अपने करियर की शुरुआत दूरदर्शन के सीरियल में मैं बनूंगी मिस इंडिया से की थी। इस धारावाहिक में इन्होंने मुख्य किरदार का रोल निभाया था। दोस्तों 2006 में पाखी ने फिल्म एक और शपथ से अपने भोजपुरी फिल्मी करियर की शुरुआत की। 2007 में इनकी एक और फिल्म आई जिसका नाम था कैसे कहीं तोहरा से प्यार हो गई। इसके बाद लगातार इन्हें फिल्में मिलती गईं और ये भोजपुरी की स्टार अभिनेत्री बन गई। भोजपुरी के अलावा इन्होंने सतनगत और गुलाबी मराठी फिल्म और बंगारदा कुरल तुलु फिल्म, इसके साथ ही कुदेशन पंजाबी फिल्म में भी काम किया है। दोस्तों बता दें कि पाखी हेगड़े ने बहुत सारी हिट फिल्में दी हैं, जैसे कि एक और शपथ, कैसे कहीं की तोहरा से प्यार हो गई, निरहुआ रिक्शा वाला, खिलाड़ी नंबर 1, सात सहेलियां, दिल दुश्मन, निरहुआ मेल, गंगा जमुना सरस्वती, दीवाना, खून पसीना, गंगा देवी, खून भरी हमार मांग, मैंने दिल तुझको दिया, देवर भाभी, गोला बारूद, रानी दिलबर जानी, आखिरी फैसला, ऐसी अनगिनत फिल्में दी हैं पाखी हेगड़े ने। शायद ही उनका योगदान भोजपुरी में कोई भूल पाएगा। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे भोजपुरी अभिनेत्री पाखी हेगड़े के बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।